अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम उन्हीं वीडियो के जो तसलसल हमारा चल रहा है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि हाउ वी कैन सेलेक्ट द ऑप्शन सब्जेक्ट, तो आज हम ग्रुप नंबर 5 के बारे में आपको बताएंगे। ग्रुप नंबर 5 में अगर हम देखें तो आपके नेचुरल और सोशल साइंसेस के एक एमलगमेशन है और इसमें लैंग्वेज का भी, और इसमें अगर हम देखें तो इसमें जेंडर स्टडी, इन्वायरमेंटल साइंस, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर एंड उर्दू लिटरेचर, यानी 2 आपके सब्जेक्ट लिटरेचर रिलेटेड हैं और 3 जो हैं वो नेचुरल साइंसेज में हैं। इन्वायरमेंटल साइंस भी नेचुरल साइंस प्लस सोशल साइंस में आ जाती है और जेंडर स्टडीज़ जो है वो प्योरली सोशल साइंस है। तो इनमें से हम जो आपको रिकमेंड करेंगे, अगर आप तो आप बॉटनी में आपकी डिग्री है, बीएससी या एमएस है और या जियोलॉजी में है, तो आप इनको ज़रूर अडॉप्ट करें। आप अगर लिटरेचर के अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, आप अगर आपने मास्टर इन उर्दू किया है या मास्टर इन इंग्लिश किया है और इंग्लिश लिटरेचर में किया है, तो फिर आप अपने कॉन्टेंट्स को अपने हिसाब से देखें कि आपकी यूनिवर्सिटी में आपको क्या पढ़ाया गया है और यहाँ पे जो कंटेंट दिया गया है क्या वो ओवरलैप कर रहा है आपके लिए, वो कंटेंट फैमिलियर है। आप उसको एक दफ़ा कंटेंट को रीड आउट करें और अपना जो डिग्री बेस आपका जो नॉलेज है उसमें जो आपने पढ़ा है उसको उसके साथ देखें कि कितना ओवरलैप हो रहा है, कितना फैमिलियर है, कितना न्यू है। अगर आप 60-70% आपका जो ये कंटेंट है वह फैमिलियर है आपके 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 लिए और आप उसको पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो फिर हम रिकमेंड करेंगे कि आप इनको रख लें इरिस्पेक्टिव के लोग क्या कह रहे हैं कि लिटरेचर किस तरह से मुश्किल है या प्रॉब्लमेटिक है या स्कोरिंग है या नहीं है। वो स्कोरिंग वाला मैटर हम पहले भी एक बार आपको बता चुके हैं, ये जस्ट मिथ हैं। इसमें आप अगर आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो लिहाजा इस मिथ को तो आप एक साइड पे रखें। अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आप लिटरेचर की तरफ ज़रूर जाएं, अपना कंटेंट देखें, अगर ओवरलैपिंग हो रहा है मोर देन 70% और 80% तक, तो आप ज़रूर इसको अडॉप्ट करें। सेकंड में आ जाते हैं, अगर हम लोग देखते हैं कि अगर आप बॉटनी और जियोलॉजी के स्टूडेंट हैं और बॉटनी और जियोलॉजी का कंटेंट्स आपको लग रहा है कि आपने वो पढ़ा हुआ है, आप उससे भी फैमिलियर हैं, तो फिर आप अपने सब्जेक्ट के उस तरह से अपने अडॉप्ट करें, बिकॉज आपसे बेहतर बॉटनी और जियोलॉजी को और कोई नहीं जान सकता। अगर आप उसके स्टूडेंट रहे हैं पर्टिकुलरली इन एमएस एंड यू नो दैट बीएस लेवल पे, जेंडर स्टडी एंड इन्वायरमेंटल साइंस के दरमियान हम कंपैरिजन करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो अदर देन दिस सब्जेक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं तो वो फिर उनके पास ऑप्शन यही बचती है। तो हम उनके लिए एक ईज कर रहे हैं कि इन्वायरमेंटल साइंस को अगर आप पकड़ेंगे तो इसमें 8 टॉपिक्स हैं और हर टॉपिक्स में सब टॉपिक्स डिफरेंट हैं और इनमें से सिर्फ 2 टॉपिक ऐसे हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज, जो आप करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हैं या पाकिस्तान अफेयर में इसको इनडायरेक्टली देख रहे हैं। बाकी इनमें से कोई ऐसा टॉपिक आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा हुआ होता, तो इस हिसाब से आप 25% इस सब्जेक्ट से फैमिलियर होते हैं। और अगर हम जेंडर स्टडी की तरफ चले जाएँ तो जेंडर स्टडी के ओवरऑल जो है वो 9 टॉपिक्स हैं और उनके फर्दर जो है वो सब टॉपिक्स भी डेफिनेटली हैं, तो इनमें से 5 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, जैसे कि फेमिनिस्ट थियरीज एंड प्रैक्टिसेस। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस रखी है तो ये सारा आपने फेमिनिस्ट थियरीज को आपने अडॉप्ट किया हुआ है, जान पाल सात के हिसाब से भी और डिफरेंट अप्रोचेस विद द पर्सपेक्टिव पॉलिटिकल थियरीज के हिसाब से भी। और अगर जेंडर एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ये आप लोग जो है वो डेफिनेटली उस तरह से नहीं पढ़ते जिस तरह जेंडर स्टडीज़ का डिमांड है, तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है वो आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में, अगर आप स्टूडेंट हैं तो उन्होंने उसको पढ़ा हुआ होता है। करंट अफेयर में भी इसको इनडायरेक्टली आप देखते हैं। स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान जो है वो इनडायरेक्टली पाकिस्तान अफेयर का टॉपिक है। जेंडर एंड गवर्नेंस जो है वो टू सम एक्सटेंट करंट अफेयर में कहीं ना कहीं आप पढ़ लेंगे। और केस स्टडी जो है हमारी मुख्तारा भाई मलाला यूसुफ़ई और चिनाय की है, ये आप लोग इनडायरेक्टली पाकिस्तान अफेयर या करंट अफेयर में आप देख रहे होते हैं। तो इस सेंस में ऑलमोस्ट 25-30% जेंडर स्टडी का जो है वो सिलेबस ओवरलैप कर रहा होता है विद द पर्सपेक्टिव ऑफ करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, और अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है तो आपको 5-7% एज ज़्यादा मिल जाता है। तो इन्वायरमेंटल साइंस और जेंडर स्टडी में से हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप जेंडर स्टडी को देखें,
क्योंकि जेंडर स्टडी जो है वो आपको डिफरेंट अप्रोच से हेल्प करेगी। एक तो जब आप इनकी थीरीज पढ़ेंगे तो आप करंट अफेयर या पाकिस्तान अफेयर के अंदर उनको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये वन साइडेड बेनिफिट नहीं होता कि आप पाकिस्तान अफेयर या करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो उनमें से कौन सा ठीक रहेगा, कौन सा जो है वो आप उनका नॉलेज यूज़ कर रहे हैं जी ऑप्शनल सब्जेक्ट में। डेफिनेटली जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उनका भी जो नॉलेज है या उनकी अंडरस्टैंडिंग है वो आप पाकिस्तान अफेयर करंट अफेयर के पेपर में भी जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता जाऊँ कि आगे चल के हम एक ऐसी वीडियोस भी हम आपके लिए बनाएंगे जिसमें हम ये देखेंगे कौन सा पेपर सीएसएस के अंदर एक एग्ज़ाम के अंदर सबसे अच्छा कंसिडर किया जाता है, जिसको हम लोग आर्गुमेंटेटिव पेपर कहते हैं। तो जब आप इन ऑप्शनल सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं एक्सटेंसिवली तो इनके नॉलेज की बेस आप आर्ग्यूमेंट्स पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर में भी बना रहे होते हैं। तो लिहाजा ये एक साथ जो है वो आप लोगों को सपोर्टिव होते हैं, स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं विद द पर्सपेक्टिव ऑफ इक्विपमेंट ऑफ द नॉलेज। तो इनको टू वे से आपको चलाना चाहिए। लेकिन हम जो बातें कर रहे हैं वो ये कि ऑलरेडी हम ये सपोज कर बैठे हैं कि हमने कंपल्सरी सब्जेक्ट तो हर हाल में पढ़ने थे, तो लिहाजा हमने वहाँ से स्टडी स्टार्ट की और उनके पढ़ने के बाद जब हमने ऑप्शन सब्जेक्ट की सिलेक्शन के ऊपर आते हैं तो उनका नॉलेज ऑप्शन सब्जेक्ट के साथ किस तरह से ओवरलैप कर रहा है, और जब जो ओवरलैप नहीं कर रहा होता साफ ज़रा उनको हमने नाइसे से देखना है तो वो नॉलेज फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स हम लोग प्रीवियस जो पेपर्स हैं उनके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन दिस वे हम लोग एक बेस्ट पेपर को जो है वो अटेम्प्ट करने की स्ट्रगल में रहते हैं कि हम किस तरह से अपने पेपर को आर्ग्यूमेंटेटिव बनाएं ना कि नरेटिव बनाएं। आर्ग्यूमेंटेटिव और नरेटिव पेपर किस तरह से होते हैं वो बकायदा हम लोग आपको एग्जांपल्स के साथ जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे कि एक स्टूडेंट का जिसका नरेटिव पेपर है और एक ऐसा है जिसका फैक्चुअल है और आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, सिर्फ फैक्चुअल पे बेस है, और एक पेपर जिसका फैक्ट्स एंड फिगर भी इम्बीड हुए हैं और वो आर्ग्यूमेंटेटिव भी पेपर बना चुका है, तो उसका पेपर कैसा होता है। ये बात ये जो पेपर की टाइप्स हैं ये हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।